हेलो एवरीवन, दिस इज रूबी एंड यू वाचिंग माय चैनल रूबी शेरावत ब्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ इंद्रलोक थर्सडे मार्केट। भाई कौन कौन आज मार्केट आया था जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? सब अपनी अपनी अटेंडेंस लगा दो आज कि कौन कौन आया था। मैं सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग मार्केट पहुंच गई थी, जैसे कि मैं पहुंच जाती हूँ और वही बेस्ट टाइम लगता है मुझे तो मार्केट आने का, क्योंकि उस वक्त रश बहुत कम होता है और सारे शॉपकीपर्स सामान लगा रहे होते हैं अपना, तो फटाफट जाओ फटाफट शॉपिंग कर लो और हमारे लिए भी आसान हो जाता है कि हम वीडियोस आराम से बना लेते हैं। अच्छा, जो लोग पहली बार मेरी इस सुंदर सी आवाज़ को सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये मैं जिस मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ, इंद्रलोक थर्सडे मार्केट है, जो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे वाले दिन लगती है। इट्स अ पटरी मार्केट। यहाँ आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो इंद्रलोक का है। आपको गेट नंबर 5 से एग्जिट करना है और उसके नीचे से ही मार्केट वैसे स्टार्ट हो जाती है। मेट्रो के नीचे जो पटरी मार्केट लगता है ना, वो 9-10 बजे के आसपास लगता है। बाकी अंदर की जो शॉप्स हैं और पटरी मार्केट हैं वो मतलब उनका जो टाइमिंग है वो 7 बजे के आसपास लग जाती है। 7, कोई 7:30, 8, 8 बजे तक तो पूरी मार्केट आराम से लग जाती है, ठीक है? पर अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ ही शॉप से कुछ शॉपिंग करनी है तो कोशिश कीजिए सुबह आए और वहीं से आप कर लो। पर पहली बार आ रहे हो तो आराम से पूरी मार्केट मस्त घूमो फिरो और उसके बाद तसल्ली से शॉपिंग करो। कभी भी एक जगह पर पूरा पैसे मत खर्च करो, मेरी मानो तो, ठीक है? बस मेरा आप लोगों से ये है। और जब भी इस मार्केट में आओ अपने पर्स और मोबाइल का कृपया करके ध्यान रखिए, क्योंकि ये पटरी मार्केट है और बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी मार्केट है, तो एक टाइम के बाद यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। तो हर तरह के लोग दुनिया में घूम रहे हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल। मैं आ गई हूँ आमिर भाई की शॉप पर। ये सुबह सुबह ओपन कर लेते हैं आमिर भाई। ऐसे कुछ चुनिंदा शॉपकीपर्स हैं जिनकी निश्चित थी तय समय पे दुकान खुल जाती है, उनमें से एक आमिर भाई हैं, ठीक है? ये इन्होंने जितने सूट्स लगा रखे हैं, ये वाले अभी आप 450 के देख रहे हैं, ये 5XL था शायद, ये वाला नहीं था, दूसरा था शायद, इनमें से एक सूट को ये ना 5XL था, ठीक है? इसी पे लगा रखे थे 450 वाले। भैया के पास दो रेंज के ज़्यादातर रहते हैं, 350 और 450, और एक बार टेबल पे लगाते हैं भैया, वो होते हैं 250 वाले। जो अंदर शॉप में है ये सब आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ये 350 और 450 वाले। इससे हाई रेंज के भी होते हैं जो ऊपर डमी ने पहने हुए हैं, पर मैं फोकस मेनली मेरा और बाकी सबका फोकस ज़्यादातर इन्हीं दो रेंज के सूटों पर रहता है, 350 और 450 वाले। स्टार्ट कर रही है, 350 वाले सूट हैं। इसमें आपको जो फैब्रिक मिलेगा वो कॉटन का या रियॉन कॉटन फैब्रिक होगा, मोस्टली यही दो होते हैं। साइज़ की बात की जाए तो भैया के पास डबल एक्सल साइज़ तक बहुत ही आराम से सूट मिल जाते हैं। उसके ऊपर के सूट मिलते हैं लेकिन बहुत ही मुश्किल होते हैं, वो एक आधा पीस भैया के पास होता है, तो प्लस साइज़ में सिर्फ डबल एक्सल हाइएस्ट होता है। बाकी एक्स्ट्रा स्मॉल भी आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से डबल एक्सल मिल जाएंगे। ये पेपलम स्टाइल का ये शॉर्ट सूट है, ठीक है? देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट ये आपकी नी लेंथ तक का सूट आएगा। और जो 350 वाले सूट है उसमें दुपट्टा नहीं मिलता है, बहुत ही रेयर कोई सूट होगा जिसमें मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। 450 वाले जो सूट्स होंगे उसमें आपको दुपट्टा मिल जाता है, फिर भी कॉर्ड सेट में तो खैर नहीं मिलेगा लेकिन वैसे मिल जाता है। 350 वाले में किसी एक आधे सूट में मिलेगा आपको, जैसे शायद ये वाला जो सूट है इसमें आपको दुपट्टा मिल जाएगा साथ में, हर किसी में कन्फर्म नहीं होता है। और सूट का डिज़ाइंस हर तरह के हो सकते हैं, स्ट्रेट भी है, पेपलम भी है, फ्रॉक भी है, कॉट सेट भी आपको मिल जाएगा इसमें, धोती वाला सूट भी मिल जाएगा, सलवार वाला भी, हर तरह का शरारा पैंट, मतलब डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट डिज़ाइंस के सूट आपको यहाँ मिलेंगे। आते हो तो एक बार ज़रूर रीच आउट करना। इनकी जो शॉप है ये सबा नर्सिंग होम वाली गली में है और बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है आमिर भाई का, तो अच्छे से आपको मतलब दिख जाएगा। जैसे मैंने ये शुरुआत करी थी तो भैया का बोर्ड दिखा के आपको शुरुआत करी थी, भैया ऑनलाइन नहीं देते हैं। और एक और अच्छी चीज़ भैया की ये है कि थर्सडे के अलावा अगर आप किसी और दिन आ रहे हैं मार्केट तो आपको ये शॉप तब भी ओपन मिलेगी। ये सुबह 11 बजे ओपन होती है बाकी डेज में, तो अगर किसी को आना है तो बाकी डेज में आकर भी भैया के पास से शॉपिंग करके जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको थर्सडे वाले दिन ही एकदम भागम भागी करके आना है, आराम से भी आकर आप इनके पास से तो स्पेशली शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ मार्केट बाकी डेज में ना कुछ ही शॉप्स ओपन होती हैं, पटरी मार्केट तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन जो शॉप्स हैं ना उसमें से भी कुछ ही शॉप्स ओपन होती हैं, सारी नहीं होती हैं। तो अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, पर थर्सडे वाले दिन जैसे ही उपेक्षा ना की जाए इस मार्केट से बाकी डेज के दिन, बस यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। बाकी थर्सडे वाले दिन तो यहाँ पे भर भर के आप शॉपिंग कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए सब, ये मैं 350 वाले दिखा रही हूँ, इस बार भैया बहुत अच्छे लेकर आए हुए थे सूट और ये सारे फ्रेश है। इसमें से काफ़ी सारे भैया बता रहे हैं कि जो मीशो है उस पर ऑनलाइन जाते हैं,
इनमें से काफ़ी सारे सूट जाते हैं, और इनके टैग्स अगर आप देखेंगे तो हैरान से हो जाएंगे, सच में काफ़ी अच्छे अच्छे टैग्स। ये वाला सूट बड़ा अच्छा था, एकदम शॉर्ट ब्रेस्ट लेंथ तक का कुर्ता था, और इसके साथ इस तरह की पैंट थी, ऐसे कंट्रास्ट पैंट थी, अच्छा लग रहा था, बहुत ही उत्तम क्वालिटी का। आज मेरी हिंदी एकदम भर भर के निकल रही है मुँह से, पता नहीं मैंने क्या सुबह सुबह कौन से कवि को खा लिया जो मेरी हिंदी एकदम अच्छे से निकल रही है। कोशिश कर रही हूँ मैं हिंदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, करना चाहिए ना, हमारी मातृभाषा है तो बात करो भाई हिंदी में। ये देखिए कितना सुंदर है, ये मैं 450 वाले सूट दिखा रही हूँ अभी आपको, ये सब 450 वाले हैं। एक ये वाला सूट भी बहुत नए डिज़ाइन का था पूरा, देखिए इसका कलर क्या बोलेंगे इस कलर को, अभी मेरे मुंह पे आ ही नहीं रहा, इस कलर को क्या कहते हैं भैया प्लीज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ग्रे लाइट ग्रेश ब्राउनिश कैसा कलर है ये, अभी आ ही नहीं रहा सच बताऊँ, समझ ही नहीं आ रहा। इसमें शायद एक साइज़ और था, ये तो मैं आपको मीडियम साइज़ दिखा रही हूँ, पेंट में था, नीचे भी इसी तरह का इसका कपड़ा लगा हुआ था सूट का। एक ये भी काफ़ी अच्छा था, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे चिकन का काम हो रखा है। पॉज करके एक बार MRP ज़रूर देखना, इनके MRP बहुत ही तगड़े होते हैं यार। ये 46 था, ट्रिपल XL साइज़ था ये, ठीक है। सूट अच्छा था, इसका दुपट्टा इतना प्यारा लग रहा था ना, इस तरह का सूट है और इसका दुपट्टा देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। ये थोड़ा वैसा था, खादी वाले लुक का दुपट्टा था, बड़ा ही सुंदर लग रहा था, मस्त वाला। ऐसी ही ये पैंट होगी, 46 साइज था, इसलिए मैं कही थी कोई एक आधे साइज आपको मिल जाएंगे जो ट्रिपल XL मिलेंगे, शायद उससे ऊपर होगा भी, लेकिन वो एक आधे पीस होते हैं। इतनी हाफ स्लीव की इसकी स्लीव्स थी। एक ये ग्रीन कलर में भी बहुत अच्छा था, ये पता नहीं स्मॉल या मीडियम साइज था, पर ऐसा लग रहा था कि ये लार्ज को भी आराम से आ जाएगा, मतलब थोड़ा जो भी साइज था उससे प्लस वाले, एक प्लस नंबर वन और एक्स्ट्रा को आ जाएगा आराम से। ये सब 450 वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रही हूँ मैं, ये मैं आ गई हूँ अथर भाई के पास, और ये सुंदर सी कुर्ती आपको अथर भाई की दिखेगी, जिन्हें हम धासु कुर्ती वाले भैया कहते हैं। ये दरियागंज से आते हैं और वहाँ पर इनकी शॉप है, आप वहाँ से भी जाकर इनसे शॉपिंग कर सकते हैं। देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी कुर्ती है, ये कुर्तियाँ जो भैया ने यहाँ पर डाली हुई हैं ये 650-750 रुपये की है। मुझे तो ये वाली इतनी सुंदर लगती है इनकी कॉटन की, ज़्यादातर ये वाइट रखते हैं, और इस बार ऐसी थोड़ी सी ग्रीन कलर की भी कुर्ती लेकर आए हुए थे ये। एक ये वाली देखिए, बस देखते ही रहने का मन करता है, कितनी देर तक इसके ऊपर कैमरा रख सकते हैं हम, ठीक है। ये कितनी चलती है, मतलब कितनी ड्यूरेबल, कितनी अच्छे से चलती है कुर्ती, किसी ने खरीदी है पहनी है तो मुझे बताना ज़रूर, मेरी बड़ी इच्छा है इस तरह की कुर्ती पहनने की, लेने की, तो मुझे ज़रूर बताना कि किस तरह से। इसमें अंदर लाइनिंग होती है कॉटन की ही, बाकी इस तरह के सूट मिल जाएंगे आपको, पूरा सूट है ये, सूट विद पैंट, ठीक है। पार्टी वेयर सूट्स मिलते हैं इनके पास ज़्यादातर। मैंने एक बार दरियागंज का भैया की शॉप का पूरा एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है, ठीक है, और कोशिश करूँगी बहुत जल्दी दोबारा दरियागंज जाके भैया का जो भी नया लेटेस्ट कलेक्शन है उस पर अच्छे से डिटेल में पूरा एक ब्लॉग बनाने की कोशिश कर सकते हैं बस। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर कॉर्ड सेट्स हैं इनके पास, साइजेस मिल जाते हैं, बहुत बड़े साइजेस नहीं मिलते हैं लेकिन ट्रिपल XL तक मिल जाते हैं, फिर भी कॉर्ड सेट में ज़्यादातर डबल XL तक भैया के पास रहते हैं। जैसे ये वाला डबल XL है, इनकी रेंज जो है 650 से शुरू होती है, 850-950 तक भैया के कॉर्ड सेट्स की वो होती है। बड़ा स्टाइलिश सा था पार्टी वेयर कॉर्ड सेट ये, इसमें आपको कलर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए ये सूट प्लस कॉर्ड सेट आप दोनों कह सकते हो। देखिए इसमें एक पिंक कलर भी भैया के पास है, ऐसे पूरा थ्रेड वर्क हो रखा है इसके ऊपर, ये प्रिंट नहीं है, इट्स थ्रेड वर्क, बहुत अच्छा है। भैया तब लगा रहे थे, देखो सुबह का टाइम, वो अमूल मिल्क के बोर्ड के से आप आएंगे ना, ये देखो, और ये भैया की शॉप है। मैं सोचो देखो कितना खाली दिख रहा है अभी मार्केट, मैं किस वक्त आ गई होंगी और भैया ने किस वक्त लगा दिया था। 160 रुपये की टी शर्ट है, सिर्फ यही वाला टी शर्ट छोटा था, बाकी आपको सारे मेंस के टी शर्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। बच्चों के टी शर्ट में सिर्फ वो जो स्टार्टिंग मैंने फर्स्ट दिखाया ना, वही एक छोटा था 6-7 साल का, बाकी सारे मेंस वियर हैं, स्मॉल से लेके ट्रिपल XL साइज तक थे भैया के पास, और सारे 160 रुपये के थे। अदरवाइज भैया 200 या 250 रुपये रेट रखते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों भैया इतने दिलदार बन रखे थे कि 160 रुपये में दे रहे थे ये सारे। देखिए इसमें काफ़ी सारे ब्रांडेड पीस हैं, और साइजेस तो मैंने बता दिया है कि सारे अच्छे हैं और सारे हैं, और सारे फ्रेश पीस हैं, और ये ठीक है। मैं कोशिश वैसे यही करती हूँ कि मैं आपको कोई भी
यूज्ड आइटम स्पेशली ना दिखा सकूँ, यूज़ तो बिल्कुल नहीं। कई बार कई चीज़ें होती हैं कि मार्केट में आए हुए वो पुरानी हो जाती हैं, लेकिन वो होती फ्रेश ही हैं, तो वो वैसे लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अगर वो रेट वाइज का सस्ती मिल रही है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने यूज़ ही नहीं करी है ना यार वो चीज़, बस थोड़ा उसका रंग या रखे रखे थोड़ा सा वो गंदा सा हो जाता है। अगर टी शर्ट या वैसे की बात कर रहे हैं तो उसे आप वॉश कर सकते हो, बट रेट भी तो कम हो जाता है उस चीज़ का उस वजह से। बट यूज़ चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ मैं दिखाना, और आप लोग भी अवॉइड करो लेना, क्योंकि यहाँ पे नई चीज़ों के ही इतने अच्छे रेट होते हैं कि यूज़ चीज़ खरीदने की आवश्यकता ही नहीं है। देख कितना सुंदर सा टी शर्ट है यार ये मैं दूसरे वाले भैया पे आ गई हूँ, वो वाले भैया को हटा दिया है मैंने, और ये मैं दूसरे वाले भैया के पास आ गई हूँ जिनके पास 200 रुपये के ही टी शर्ट्स मिल रहे थे। ये 250 रुपये के देते हैं नॉर्मली भैया, और ये मैं आगे आ गई हूँ। कहाँ पर आ गई हूँ? सीधा अतर भाई को क्रॉस करते हुए सीधा सीधा आप चलोगे तो डिस्पेंसरी की साइड वाली वॉल रहती है जहाँ हारून भैया की शॉप है। हारून भैया की शॉप से मैं हो गई हूँ लेफ्ट, ना कि राइट। राइट में अगर आप जाएंगे तो गली नंबर 6 है, और मैं हो गई हूँ लेफ्ट में, ठीक है। बाकी मैं आपको इन भैया का फेस दिखा दूंगी। इनकी ये ब्रांडेड टी शर्ट्स रहती है हमेशा, मैं दिखाती हूँ जब मैं झूले वाले पार्क की तरफ जाती हूँ। ये मैं उसी तरफ में पहुंची हुई हूँ जो सुबह ओपन थी ना शॉप्स, ये मैंने सबसे पहले वही कवर करके आपको दिखाई है जो होगी। ये वाले भैया नॉर्मली लेट ओपन करते हैं, बट इस बार थोड़ा टाइमली इन्होंने ओपन कर लिया था, तो जो पहले हो गई थी उनका मैंने कवर किया है। देखिए ये भी बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स हैं, और इनके पास ना 4XL 5XL तक मिल जाती हैं टी शर्ट्स भी, और लोअर भी मिल जाते हैं। इस बार भैया ने कुर्ते वगैरह भी रखे हुए थे। इन्हीं की ये दो शॉप्स हैं, एक ये है और एक इनके साथ एक और शॉप है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैं कोशिश कर रही थी ब्रांड दिखाने की, और किसी ने इसके ऊपर कोई और टी शर्ट डंप कर दिया। ये देखिए फिर भैया को दया आ गई, भैया ने कहा रुको मैं दिखाता हूँ आपको पूरे अच्छे से टी शर्ट। ये देखो एक और देखिए मैक्स की, 3XL साइज में है और बहुत ही सुंदर लग रही है। कॉलर में ले लो, राउंड नेक में ले लो, आपकी जो इच्छा है आप उस शेप में यहाँ पे टी शर्ट ले सकते हो। देखिए राउंड नेक की एक और है, इसके ऊपर भी कुछ बड़ा सा लिखा हुआ है, मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा है। डिवाइन पीस क्या था, समथिंग वैसा ही कुछ था। और ऐसी ऐसी आपको मिल जाएंगी, कलर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। वैसे मुझे एक येलो टी शर्ट पसंद आई थी, मैं जस्ट लेने गई थी उससे पहले ही वो मेरे हाथ से किसी कस्टमर ने ले ली। ये वाली येलो नहीं थी, वो दूसरी थी, कॉलर उसकी थी, पर वो ले ली मुझसे किसी ने। मैं वीडियो तक नहीं बना पाई थी, जस्ट मैंने हाथ में उठाई थी, मुझे वो पसंद बहुत अच्छी आ गई थी। पर चलो कोई बात नहीं, मैं तो हर बार जाती हूँ कुछ ना कुछ खरीद ही लूँगी, और हमेशा की तरह घर में डांट खाई लूँगी। ये देखिए 1699 रुपये का आपको टी शर्ट मिल रहा है, जो कि आपको मिलेगा मात्र 250 रुपये में। ये गर्ल्स की टी शर्ट है, और ये जो भी भैया दिखाई थी उनकी और इनकी साथ ही शॉप है। ये बिल्कुल झूले वाले पार्क के कोने पे लगाते हैं, जहाँ पर एपेक्स क्रॉकरी वाले भैया लगाते हैं। एक ग्राउंड है झूले वाला पार्क जहाँ पे कोई झूला नहीं है, उसके बिल्कुल सामने की ये शॉप है। आई होप लोकेशन क्लियर होगी, ये नहीं है तो कष्ट करो मेरी प्यारी बहनों, कष्ट करो जाके एक बार लोकेशन मैप में देखो झूले वाले पार्क में एपेक्स क्रॉकरी वाले भैया का है। उनके अपोजिट की जो शॉप है, मैं ये वो दो शॉप्स आपको दिखा रही हूँ, पहले वाली टी शर्ट वाली भी और ये भी, दोनों साथ साथ शॉप है, उनके सामने ही साइड में एपेक्स क्रॉकरी वाले भैया है, ठीक है। अब उनकी भी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी शॉप। ये देखिए 2000 का, और ये वेलवेट वाला टॉप है ये, ठीक है, बहुत ही सुंदर था। मैंने लेते लेते छोड़ा है, लिटरली ये लेते लेते छोड़ा है कि अभी शायद इतना सीजन नहीं है इसका, या बस नहीं मैंने लिया, पर बहुत अच्छा था। हिप्स तक कवर हो जाएंगे इसमें आपके आराम से, और अच्छा लग रहा था। इसमें कोई और कलर नहीं था भैया के पास, मुझे थोड़ा सा ये था कि कोई और कलर मिल जाए, क्योंकि जाती रहती हूँ तो होप सो नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा इससे कलर मिल जाए। देखिए सबके मैं आपको रेट दिखा रही, 2199 सबका रेट और 250 है, और टैग में सब इसी तरह के हैं। ज़्यादातर इसमें ब्रांडेड हैं, ये गर्ल्स वाले ही दिखा रही हूँ मैं आपको, मीडियम साइज़। ये टी शर्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था सबके। ये यहाँ पे आपको जीन्स भी मिल जाएंगी, उनके रेट्स भी नॉर्मली यही मिलते हैं। ये देखिए लीक ऊपर की, ये जीन्स नहीं है, आई थिंक ये स्कर्ट थी, ये मैं स्कर्ट चेक कर रही थी, शॉर्ट स्कर्ट है, रुको ये देखो, हाँ स्कर्ट ही है ये, लीक ऊपर की है। ये भी आपको 250 रुपये में मिलेंगी। और एक और देखिए, ये 38 साइज था, इसका भी कुछ ऐसा ही रेट था। पॉज करके प्लीज़ एक बार जोर देखना, ये क्रॉप टॉप वाले लुक में था, बहुत ही सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे सेक्सी सेक्सी से टॉप आए हुए थे गर्ल्स के। तो किसी को लेने हैं तो ज़रूर चेकआउट करना। और ये मैं एपेक्स क्रॉकरी वाले भैया के पास आई हूँ, ये तब लगा रहे थे, मैं वही बता रही हूँ कि जब मैंने वही वो कवर करी है सबसे पहले, कि
जिनकी लग रही थी, भैया ने तब टेबल भी शायद ओपन नहीं करा था ये, हाँ तब लगे हुए थे भैया यहाँ पे कवर करने। किचन रिलेटेड कोई आइटम है, कुछ खरीदना है तो इनके पास ज़रूर आना आप। नेक्स्ट टाइम आप कहोगे तो अच्छे से डिटेल में इनकी शॉप में कवर करूँगी। आज मैंने छोटी कवर करी थी, बट नेक्स्ट टाइम अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी इनके हर आइटम्स को मैं। इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, टाटा।